आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के हम बार बात करने वाले हैं, हाउ टू चूज योर करियर पाथ। करियर इज समथिंग दैट यू विल चूज, दैट यू हैव टू कैरी, दैट यू हैव टू नरिश थ्रू योर लाइफ। बट ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है लाइफ का, हाउ टू चूज योर करियर। अब व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं सर हम आज को चूज करते हैं, लेट्स से हमने 10th में कुछ प्लान करा कि हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, अब 12th तक आते आते हमारा पूरा प्लान ही चेंज हो जाता है कि हम कुछ और करना चाहते हैं, क्योंकि 12th तक हमारा माइंड कहीं और हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा बचपन से प्लान था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, अब मैं डॉक्टर बनना था मुझे, और अब मैं आते आते अब मेरे को डॉक्टर के फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं, उस चीज को इंटरेस्ट नहीं। तो सर करियर कैसे सिलेक्ट करें, कैसे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जाने कि कहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूरा भी इसी के बारे में था। सबसे पहला मैथ में क्लियर करना चाहता हूँ, जो बच्चे करियर के बारे में बात करते हैं तो दे रिलेट करियर विद देयर ड्रीम। नेवर एवर रिलेट द करियर विद योर ड्रीम। ड्रीम आपका हो सकता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ड्रीम किसी का होता है मेरे को एक्टर बनना है, ड्रीम किसी का होता है उसको फुटबॉलर बनना है, लेकिन जो ड्रीम होता है वो आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस को बिना देखे एक सपना होता है, जो आपके एक बोलते हैं इमेजिनेशन होती है कि मेरे को वो चीज करनी है, एक्सेप्टेड वहां पर विल तो होती है, लेकिन क्या उस जगह पे आपकी स्किल है, क्या उस जगह आपकी स्ट्रेंथ है, क्या उस जगह पे आपका नेचर है। तो आप क्या करते हो, अपने जो ड्रीम है उस ड्रीम को करियर बनाने की कोशिश करते हो। ड्रीम इज नॉट अ करियर, ड्रीम कैन बी अ करियर, बट ड्रीम इज नॉट ओनली द करियर। फर्स्ट पॉइंट आप ही कर दो कि ड्रीम को करियर बनाते हो। सेकंड, जब आप करियर चूज करते हो तो आप कुछ लोग देखते हो कि ये इतने रुपए कमा रहा है, ये इतना फेमस है, तो आप रिस्पेक्ट, नेम, फेम आप देखते हो, आप पैसा देखते हो, आप किसी ना एक पर्सन की इमेज को ध्यान में रख के अपना करियर डिफाइन करते हो। अब लेट्स से विराट कोहली, अगर विराट कोहली को देख के अगर हर बंदा क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो गलत है, बिकॉज विराट कोहली के पास अलग सेट ऑफ एटमॉस्फेयर था, उसकी अलग सेट ऑफ परवरिश थी, उसका एक अलग स्ट्रेंथ थी, उसका अलग स्किल्स थी। ही नोज हाउ टू बैट। क्या आपको बैटिंग करना आती है क्या? मैं बोलूँ एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है बट उसको सारी ऋतिक रोशन की मूवी सारी पसंद है, वो बोलता है एक्टर बन जाऊँ, could be a better actor, no he cannot be, उसकी स्ट्रेंथ कुछ अलग है। तो सर आज हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है कि नेवर मेक योर करियर बट योर ड्रीम। ड्रीम कुछ और होता है, करियर कुछ और होता है, तो करियर आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस से बनता है। तो लेट्स मूव ऑन। पहला बड़ा पार्ट होता है ऑब्जर्व योरसेल्फ रेगुलरली। रेगुलरली अपने आप को एनालाइज करो, सोचो कि कहां कहां पे मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को क्या काम करने में मजा आता है, किस काम से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे जैसे आप रेगुलरली खुद को एनालाइज करना शुरू करोगे, आपको समझ में आएगा डे का कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें आप रेगुलरली कोई एक्टिविटी करते हो, चाहे हो सकता है वो फुटबॉल खेलते हो सकता है वो म्यूजिक सुनते हो सकता है मैथ्स करते हो, या कभी कभी कुछ लोगों को फिजिक्स में बड़ा मजा आता है, कुछ कुछ लोगों को पैसा मतलब मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन कुछ घपले करने में, ऐसे कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको बहुत मजा आता है। तो फिर वो एरिया आइडेंटिफाई करो, ऐसा कौन सा एरिया है जिस काम को रेगुलरली करने में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आई, उल्टा आपको मजा आ रहा है, जिससे आपको थकान नहीं हुई, जो काम आप संडे को भी करने को तैयार हो, जो काम आप रेगुलरली करने को तैयार हो, और जिस काम को करने के बाद आपका रिजल्ट जीत आए या हार आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑब्जर्व योरसेल्फ रेगुलरली। अब इससे क्या होगा सर, हम अपने आपको ऑब्जर्व करेंगे। मैं ये बेसिकली उन सारे बच्चों के बारे में बताऊँ जो 10th में या जो 12th में या जो अपने करियर की किसी भी स्टेज पे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि जो हमने सोचा आपका वो करियर कहाँ पर डिसाइड कर रहा है। आप पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स से अपने करियर को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, बट इट इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट, इट इज नॉट आउटसाइड इन। जो बाहर का माहौल चल रहा है, जो बाहर जिस चीज में ग्रोथ चल रही है, जो आज करियर रूम पे, अब अगर मैं बोलूं आज एक पर्टिकुलर सीए या जैसे लॉ, आज बूम पे आपने लॉ की बूम को देख के लॉ करना शुरू कर दिया, तो 4 साल बाद या 5 साल बाद जब आप लॉयर बनोगे तो लॉयर आपने इसलिए चूज नहीं किया था कि आपका इंटरेस्ट लॉ में, आपने लॉयर इसलिए चूज किया था कि जिस समय आप करियर चूज कर रहे थे उस समय लॉ वॉज अ बूमिंग फील्ड, उस समय सीए वॉज अ बूमिंग फील्ड, उस समय कोई डिजिटल मार्केटिंग वॉज अ बूमिंग फील्ड। 5 साल बाद जब आप लॉयर बन जाओगे या आप सीए बन जाओगे, आप कोई भी करियर अचीव कर लोगे, हो सकता है उस समय गेम्स ही चेंज हो जाए, उस समय लॉ इतनी अच्छी फील्ड ना रहे, उस समय डॉक्टर इतनी अच्छी फील्ड ना रहे, उस समय इंजीनियरिंग इतनी अच्छी फील्ड ना रहे। तो क्या करते हो, आउटसाइड इन काम करते हो। आई एम आस्किंग यू टू वर्क इनसाइड आउट।
So what is inside out? How observe yourself regularly. अपने अपने अपना नेचर समझो. मैंने कहा ना identify your nature. आप अपने नेचर को रेगुलरली सोचो कि कैसा नेचर है आपका, कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती है, कहाँ कहाँ पर बैठ के या कौन सी चीजें देख के आपको पीस मिलता है, ये सब कैसे एनालाइज करें. लेट्स से इफ यू गो टू द क्लास, आप क्लास में सब्जेक्ट एनालाइज करो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द टीचर. रिस्पेक्टिव ऑफ द टीचर, ऐसा नहीं कोई टीचर अच्छा तो सब्जेक्ट पसंद है, आपको कौन सा सब्जेक्ट खुद पढ़ने में मजा आता है. लेट्स से फर्स्ट थिंग, आपको कौन सा काम खुद करने में बहुत मजा आ रहा है. आप देखो जब आप मूवीज देख रहे हो, जब टीवी सीरियल्स देख रहे हो, तो कौन से सीरियल कौन सी चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही है, एक कोई ना कोई पार्ट है हर हर टीवी सीरियल्स का, कोई मूवीज का, या कौन से पर्सन कौन से फ्रेंड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां से आपको धीरे धीरे आपका नेचर मालूम पड़ता है. आइडेंटिफाई ऑब्जर्व योरसेल्फ रेगुलरली, आइडेंटिफाई योर नेचर, आइडेंटिफाई नेचर. जब आप ये करना शुरू करो, दिस इज एटलीस्ट 6 टू 8 डेज, और आई कैन से डू दिस फॉर 15 डेज. आप अपना एरिया ऑफ वर्क सोचने की कोशिश करो कि मेरे अंदर ऐसी क्या इंस्टिंक्ट है, मेरे अंदर ऐसी क्या चाहत है, मेरे अंदर ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, जिस काम में करते हो, जिस काम में आप जीतते हो या हारते हो, आप फिर से वही काम करना चाहते हो. अगर काम की जीत या हार आपको फर्क नहीं दे रही, आपको कोई काम कंटिन्यूस करने में मजा आता है. मैंने देखा कुछ बच्चों को PS2 खेलने में मजा आता है, PS2 खेलने में मजा आता है, एक्सेप्टेड. मतलब आपको पता है PS2 भी मिलिट्री के एग्जाम में PS2 का टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे जो PS2 खेलने में मजा आता है, बिकॉज उनको फाइटिंग करने में, रोड रश करने में मजा आता है. हो सकता है ऐसी ही चीजें उनके दिमाग को मेडिसिन दे, उनके दिमाग का वो फूड, दे आर फीडिंग देयर माइंड. अब द सेकंड थिंग, अब डेवलप योर बेसिक इंस्टिंक्ट. सर ये कैसे मालूम पड़ेगा बेटा? 15 दिन में अपना नेचर आइडेंटिफाई करने के बाद 5 से 10 दिन के अंदर आपको मालूम पड़ती है क्या आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है. बट अगर एक बंदा बहुत मोटा है, उसे रनिंग नहीं हो रही, उसे डांस नहीं हो रहा, तो वह एक्टर नहीं बन सकता. प्रैक्टिकल बात है. तो अब आप क्या करते हो कि नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं तो बिल्कुल मेरी वेल है, मैं अपने आपको पता करूँ. एक्सेप्टेड आप कर भी लोगे, इट टेक्स टाइम, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट चल जाएगा. मैं आपको अदर टाइप बता रहा हूँ कि एनालाइज योर स्किल, कौन सी चीज आपको पसंद है. कुछ लोगों को ड्रॉइंग्स करना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को एनिमेशन बनाना बहुत पसंद है. मैंने देखा कुछ लोग बस क्रिएटिव आर्ट्स को अलग अलग आर्ट में जाता है, कुछ लोगों को मैथ्स की ट्रिक्स करना सॉल्व करना पसंद है, कुछ लोगों को साइंस के फिजिक्स के एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को चैलेंज करना बड़ा पसंद है. कुछ कुछ लोग रेगुलरली क्रिकेट देखते रहते, क्रिकेटर क्रिटिकल एनालिसिस करना कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा होता, उनको वो पसंद है. क्योंकि स्किल्स नहीं था, उनकी स्किल्स है. एक बात ध्यान रखना, एवरीवन इज ब्लेस्ड विद सम ऑर द अदर स्किल. किसी का चुप बैठना भी उसकी स्किल है. डॉक्टर मनमोहन सिंह का चुप बैठना उनकी स्किल थी. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए, he won't be a prime minister, वो बहुत बोलते बोलते, वो कुछ कम बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, that's why he was chosen as a prime minister by Mr. Sonia Gandhi. तो अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करो कि आपको चुप बैठ के काम होता है कि बोल बोल के काम होता है. आपको सबके साथ, आप अगर पीपल फ्रेंडली पसंद हो, क्या पीपल फ्रेंडली पसंद नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब आपकी स्किल, आपका डेडिकेशन और आपका फोकस डिमांड करेंगे. अब जिस काम पे भी आपका एक आंसर आ रहा है, then try to work on it for at least 10 to 15 days. अगर 15 days तक भी उसकी MU आपके लिए कमी हो रही, MU is marginality, उस काम को करने में आपका मजा कम नहीं आ रहा, उल्टा मजा बढ़ रहा है. क्योंकि आप किसी भी काम करते हो, अगर वो चीज इन्फेक्शन टाइप है कि अचानक वो एक्सटर्नल है, अगर वो आउटसाइड है, तो 15-20 दिन मजा आएगा, उसके बाद आपका मजा कम होता जाएगा. लेकिन वो इनसाइड आउट जो आपको मजा आ रहा है, उसमें वर्क कर रहे हो, एंड उसमें वर्क कर रहे हो, एंड उसमें वर्क कर रहे हो, तो उससे आपकी एमयू कम नहीं होगी, उल्टा आपकी एमयू मार्जिनलिटी आपकी बढ़ेगी, उस काम करने की इच्छा आपकी बढ़ेगी. सो इससे आपको एनालाइज योर स्किल, डेडिकेशन एंड फोकस, टेक एडवांटेज ऑफ योर इनहेरिटेड स्ट्रेंथ. बट एवरीवन इज ब्लेस्ड विद अ स्ट्रेंथ. कुछ हेरिडिटी होती है, कुछ लोगों को हेरिडिटी होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स. किसी को बच्चा बोलना आता है,
किसी को बहुत अच्छा खेलना आता है, किसी को बहुत अच्छा मैथ्स आता है, किसी का दिमाग बहुत अच्छा होता है, किसी को चुप रहना आता है, किसी को ज्यादा बोलना नहीं आता। सही, कुछ इनहेरिट स्ट्रेंथ होती है विच वी गेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर, जो बचपन से होते हैं, बेसिक नेचर पे हम लोग होते हैं। सो टेक एडवांटेज ऑफ योर इनहेरिट स्ट्रेंथ। बेटा करियर वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहां पे आपकी इनहेरिट स्ट्रेंथ है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं बहुत चुप और मैं स्पीकर बन जाऊं। अब उसकी इनहेरिट स्ट्रेंथ है चुप रहना, वो चुप चुप रहते बड़ा उसको स्पीकर बनना है, इट्स अ बिग गैप। वो सब करियर, मैं ये नहीं बोलता हूं कि करियर नहीं बन पाएगा, करियर बन पाएगा, लेकिन एनालाइज योर इनहेरिट स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करोगे तो विल अचीव योर करियर फास्ट एंड यू कैन हैव अ लॉन्ग वे ऑन इट। जो आपको आता ही नहीं है आप उसको सीखोगे, Then work hard and convert your pleasure to work. Work hard and अब एक बात बताऊँ, सबसे best part मैं बताऊँगा, convert pleasure to work। अगर आज मैं बताऊँ मेरे को table tennis खेलना, मैं practically मैं जिम्मेदार table tennis करना बहुत पसंद है। I love playing table tennis। मेरे को table tennis खेलना पसंद है, मेरे को उसमें अलग-अलग persons को हराना पसंद है, अलग प्रकार से कैसे उसकी service होती है वो पसंद है। अब अगर मुझे वो चीज़ table tennis खेलना पसंद है और अगर मैं उसी चीज में चले जाऊँ, अगर सानिया नेहवाल को बैडमिंटन खेलना बचपन से पसंद था, उसको फर्क नहीं पड़ता उसके उसको पैसे मिले या ना मिले, वो नेशनल लेवल पे खेले या ना खेले। अगर वो सानिया मिर्जा को लॉन टेनिस खेलना पसंद था, अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना पसंद था, अगर प्रकाश आडवाणी को बिलियर्ड्स खेलना पसंद था, अगर इन लोगों को चीजें जो पसंद थी, जो उनका प्लेजर था, जो उनको यू भी पूरे वर्क के बाद भी ये काम करना पसंद था, अब अगर इनको इन्होंने उसी को अपना वर्क बना दिया, so they are paying, they are paid for their pleasure, they are paid for not for their work, they are paid for their pleasure। इनको तो पसंद ही था ये बात करना। अगर मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करूं, अगर मैं सानिया नेहवाल के बारे में बात करूं, अगर मैं सानिया मिर्जा के बारे में बात करूं, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इतने अपने प्लेजर को वर्क बनाया, they have converted their pleasure into work। अगर मैं आपको मेरे बारे में बात करूं, मुझे टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, मुझे बात करना, मुझे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करना, मुझे स्टूडेंट्स का गेट अलॉन्ग होना, मुझे मजा आता था। इवन इफ आई एम नॉट पेड फॉर इट, आई डू लाइक टीचिंग। मैंने मेरे प्लेजर को मेरा वर्क कन्वर्ट किया, नाउ आई एम पेड फॉर माई प्लेजर। ये सबसे बेस्ट पार्ट थी। जो काम आपको यू भी करना पसंद है, जो आपको संडे को भी काम करना पसंद है, अगर आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, द बेस्ट थिंग कैन हैपन। Make yourself blessed with this thing. Convert your pleasure to work. Up. एक बात और, मैं यहाँ पे करियर पर एंटर करूँ। जब आपका प्लेजर जिस काम को करना है वो मजा आ रहा है, अगर आपने उसमें अपना करियर बनाना चाहा तो आप आगे जाओगे, क्योंकि आपको उसके लिए पे वर्क, अगर आपको पे वर्क उसमें और मेहनत करोगे। सर मेहनत उस काम को करने में प्रॉब्लम आती है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको काम पसंद है उस काम पे मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चेक फीजिबिलिटी, मैं ऐसी बात करूँगा एंड बच्चा जो आपका प्लेजर। सर आपने तो बोलते हैं बैडमिंटन कर लो, आप तो बोलते टीचिंग कर लो, आपने तो बोलते मैथ्स में अच्छा हो तो कुछ इंजीनियरिंग कर लो, क्या उसकी फीजिबिलिटी है? सर फीजिबिलिटी व्हाट, करियर इज ऑलवेज कम्स विद मनी, आपको पैसा भी चाहिए। अब उसकी फीजिबिलिटी कहाँ पे, आप कैसे अपने प्लेजर को, कैसे अपनी जो मस्त जिस चीजों को मजा आता है। अब बहुत लोगों को ठिलवाई करने बड़ा मजा आता है, बहुत लोगों को आसपास की बात करने मजा आता है। अब वो जिसको आसपास की बात करने मजा आता है, जिसको एक दूसरे का बोलता है इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, अगर वो न्यूज रिपोर्टर बन जाए उसको तो मजा आ जाएगा, उसको तो मजा ही आ जाएगा। अगर 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 किसी को चुप बैठना पसंद है, सिर्फ क्रिटिकली किसी को देखना पसंद है, अगर वो कोई किसी पैनल में बैठ जाए, इंटरव्यू के पैनल में जाए, उसको कुछ पूछना नहीं, चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनना है, उसको एडवाइस करना है, उसको मजा आ जाएगा। अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है और उसको क्रिकेट के लिए पेमेंट मिलना शुरू हो जाए, उसको नेशनल लेवल क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हो जाए, किसी को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बचपन से होता है कि ये कहाँ पे, अगर उसको डॉक्टरी मिल जाए उसको तो मजा आ जाएगा। चेक फीजिबिलिटी। सो फीजिबिलिटी मीन्स जो आपने सोचा है क्या उसकी अगर ग्रोथ है, क्या कैसे आपका प्लेजर, पहले मतलब कैसे आपका प्लेजर आपका वर्क बन रहा है, कैसे वर्क फीजेबल है विद अ गुड अमाउंट ऑफ मनी,
ताकि आप उस पर अर्न कर पाओ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आप उसको अर्न कर पाओ. एंड देन मेक दिस सर्कल. क्या आपकी स्किल है? स्किल शुड बी नरिश्ड विद योर विल. आपकी बताओ, आपको अगर कोई बच्चों की स्किल होती है फुटबॉल खेलने और वो अपनी विल चाहते हैं क्रिकेट, कैसे होगा? एक फुटबॉलर एक क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? अच्छा, तो पहले तो स्किल कहां पे, जहां पे आपकी स्किल है वहीं पे लगाओ क्या विल. विल को एडजस्ट करो हेरिडिटी. कुछ ना कुछ हेरिडिटी है आपके पास, कुछ ना कुछ इनहेरिट टेक्निक है आपके पास, जो फादर से आई है मदर से आई है, जो आपके पास है हमेशा. यू आर यूनिक. देन कन्वर्ट देयर हेरिडिटी इनटू योर स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ इन दिस, हर किसी का कोई ना स्ट्रेंथ होती है. एंड देन ऑल दिस थिंग्स कन्वर्ट देम टू योर एरिया एंड ऑडियंस. सर व्हाई एरिया एंड ऑडियंस? मैं इंदौर में, कोई पुणे में, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में, मैं एक अलग फैमिली से बिलोंग करता हूँ. प्लीज वो चीज भी मैटर करती है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप करियर कुछ और चूज करते हो और आपका एरिया कोई अलग, अपनी अलग जगह से, तो अल्टीमेटली उस पर रिटर्न आने में टाइम लगता है. ऑडियंस अपने कस्टमर को, एक डॉक्टर के कस्टमर पेशेंट होते हैं, एक लॉयर के कस्टमर जिनका केस चलता था वो होते हैं, एक सी कस्टमर जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं. तो क्या उन ऑडियंस से इंटरेक्ट करने में आपको मजा आ रहा है? अगर ये सब मजा आ रहा है तो यू कैन राइटली चूज योर करियर. पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जर्व योरसेल्फ रेगुलरली. आप करियर ऐसे चूज नहीं कर सकते, एक या दो दिन में करियर चूज नहीं कर सकता. डू काउंसिल योरसेल्फ, गो टू द एक्सपर्ट, गो फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट, गो फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट. देयर आर मेनी टेस्ट जिन टेस्टों के पे आप अपने आप की इनहेरेंट क्वालिटीज पहचान पाते हो. ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पता होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, लेकिन आपके फ्रंट माइंड में भी शायद होता होती है अवेयरनेस नहीं. सो बेटा दिस इज व्हाट, हाउ टू चूज योर करियर. अगर आपको अपना करियर चूज करना है, इट्स नॉट अ वन डे टास्क. दिस इज व्हाट आई वुड सेल. अगर इस चीज में कोई भी डाउट हो तो डू टेक्स्ट मी, डू आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चंस. आई एम देयर फॉर यू. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय.